राजस्थान में पहले विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा चुनाव। पिछले 6 महीने की हम बात करें तो पिछले 6 महीने के अंदर ये दो चुनाव संपन्न हुए हैं। और कांग्रेस की अगर बात करें तो भले ही कांग्रेस विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई हो, लेकिन लोकसभा के चुनाव में जो उन्होंने हार का स्वाद चखा है वो शायद कांग्रेस ही नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि ये पहला नहीं दूसरी बार ऐसा मौका है जब कांग्रेस पूरी 25 के 25 की सीटें हार चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2014 और 2019 की लोकसभा चुनाव की। तो 2014 और 19 की लोकसभा चुनाव में सेम स्थिति पैदा हुई है, जहां 2014 के चुनाव में कांग्रेस 25 के 25 सीटें हार गई थी, तो वहीं इस बार भी कांग्रेस 25 के 25 सीटें हार गई है। मगर इसमें बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के ऐसे कुछ नेता हैं जो 2018 के विधानसभा चुनाव में भी चुनाव लड़ा, हार गए, उसके बाद सांसद का भी चुनाव लड़ा, वो भी हार गए। तो हम बताते हैं कौन कौन है ऐसे नेता जो चेहरा बने पर खिल नहीं पाए। प्रदेश कांग्रेस में 4 नेता महज 6 महीने के भीतर ही 2 इन बड़े चुनाव में हार गए। कैसे हारे, क्यों हारे, पता नहीं, पर लगातार 2 चुनाव में हार में मिली करारी हार के बाद इन नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़ा होने लगा है कि कांग्रेस ऐसे प्रत्याशियों के बजाय नए चेहरे मैदान में उतारने पर विचार कर सकती है या नहीं कर सकती है। पहली बात करें तो सबसे पहले आते हैं बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए मानवेंद्र सिंह। जी हाँ, जसवंत सिंह के पुत्र मानवेंद्र सिंह भाजपा में, मानवेंद्र की लड़ाई सीधे वसुंधरा राजे से थी, कांग्रेस में शामिल होते हैं मानवेंद्र। वो झालरा पाटन से वसुंधरा राजे के सामने चुनाव लड़ते हैं और वे हार जाते हैं। तो वहीं हारने के बाद में मानवेंद्र जब तक संभलते तब तक लोकसभा चुनाव आ गया, और उसके बाद में परंपरागत सीट बाड़मेर से वे चुनाव लड़े, पर वहाँ पे भाजपा से कैलाश चौधरी ने उनको हरा डाला। मानवेंद्र दोनों चुनाव बुरी तरीके से हारे हैं, वसुंधरा राजे के सामने भी वे करीबन 50,000 से ज़्यादा वोटों से हारे थे, और उसके बाद कैलाश चौधरी के सामने भी तकरीबन 3.5 लाख वोटों से वे पराजित हुए हैं। दूसरे नेता की बात करते हैं तो वह है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य रघुवीर मीणा। रघुवीर मीणा 2009 में उदयपुर से चुनाव लड़े थे, वे जीते थे, उसके बाद 2014 में वे चुनाव लड़े, वे हार गए, उसके बाद 2018 के विधानसभा चुनाव वो लड़े, वो भी हार गए। इसके बाद कांग्रेस ने मीणा पर फिर से भरोसा जताया और उसके बाद मीणा को 2019 में लोकसभा चुनाव में फिर से उदयपुर की सीट से उतारा, लेकिन मीणा नाकाम रहे और वे तीसरी बार भी चुनाव बुरी तरीके से हार गए हैं। अब बात करते हैं झुंझुनू साइड की, तो झुंझुनू से सबसे काफी चर्चित चेहरा है श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार 2013 में विधानसभा चुनाव हार गए थे, उसके बाद में उन पर भरोसा किया और 2014 के अंदर जो उपचुनाव हुए थे विधानसभा के उसमें फिर से उनको टिकट दिया गया, वे जीते। उसके बाद में 2018 के विधानसभा चुनाव में वे हार गए, वे सूरजगढ़ की सीट से चुनाव हारे हैं। इसके बाद श्रवण कुमार को कांग्रेस ने झुंझुनू लोकसभा सीट से मौका दिया, वे चुनाव लड़े और वे वहाँ पर भी हार गए, उनको भाजपा के नरेंद्र खीचड़ ने हरा डाला। चौथी बात करते हैं जिस नेता की, वो है रतन देवासी। जी हाँ, रतन देवासी 2008 के विधानसभा चुनाव में जीते, वे उप नेता प्रतिपक्ष बने विधानसभा में, इसके बाद वे 2013 में चुनाव हार गए। फिर 2018 में कांग्रेस ने उनके पक्ष में माहौल देखकर उनको टिकट दिया, पर इसके बावजूद वे जालौर सिरोही की रतन देवासी हार गए। उसके बाद जालौर सिरोही की लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया, जहां पर देवासी अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा पाए और पराजित हो गए। बात करें तो कुल मिलाकर इन स्थिति में देखा जा सकता है कि क्या स्थिति कांग्रेस के अंदर राजस्थान के अंदर बनती जा रही है। बड़ी बात करें तो 6 महीने में एक बाप बेटे हैं जो दोनों के दोनों चुनाव हार गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव में चूरू सीट से बेटे मकबूल मंडेलिया को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था, जिसे भाजपा ने, राजेंद्र राठौड़ ने मात दे दी थी। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उनके पिता रफीक मंडेलिया को अपना प्रत्याशी बनाया गया,
लेकिन वे चुनाव हार गए। रफीक मंडेलिया भाजपा के राजेंद्र राठौर से विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। कांग्रेस के अंदर इस चीज़ का माहौल बना हुआ है कि आखिर क्या होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही है, भले ही सरकार कांग्रेस की हो। अनुभव की बात करें तो अशोक गहलोत सचिन पायलट दोनों बड़े बड़े पदों पर हैं। अशोक गहलोत जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं सचिन पायलट उप मुख्यमंत्री है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। संगठन और सरकार दोनों सचिन पायलट में इसमें हैं। सचिन पायलट के ऊपर ये बनता है कि वो संगठन को किस तरीके से आगे लेकर जाए। अब देखना ये होगा कि सरकार किस तरीके से अपने आय का मूवमेंट चलाती है। हालांकि आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो जो कांग्रेस के विंग्स हैं, NSUI, यूथ कांग्रेस, सेवा दल, जो कि बिल्कुल ख़त्म से हो रहे हैं, अगर इसको जिंदा रखा जाएगा तो शायद बड़े नेता स्थापित होंगे, बड़े नेता निकल के उभर के आएंगे और कांग्रेस को मजबूती दे सकते हैं वो।